हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेटिंग पैशन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमारी इस सीरीज़ का नेक्स्ट बॉर्डर है ये वाला। तो ये वाला बॉर्डर बहुत ही इजी है और बहुत आसान है, और ये सबसे अच्छा लगता है जेंट स्वेटर्स में। तो चलिए ये वाला बॉर्डर बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए हम ये वाला जो है बॉर्डर बनाना स्टार्ट करते हैं। इस बॉर्डर को बनाने के लिए भी हमें ऑड नंबर में स्टिचेस चाहिए, तो ये मैंने इसमें डाले हैं 25 स्टिचेस। तो देखिए हमने ये कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है, जैसे एक सीधा एक उल्टे का, बस एक छोटा सा ही इसमें डिफरेंस है। देखिए क्या करना है, हमने फर्स्ट स्टिच एज इट इज़ सीधा उतार लिया, ये राइट साइड है तो सीधा से फिर धागा आगे किया, एक उल्टा बनाया, फिर धागा पीछे किया। ये वाला जो सीधा वाला फंदा है इसको हमने बिना बुने इस तरह से लेके ऐसे उतार लेना है, इसको हमने बुनना नहीं है। फिर धागा आगे करके एक उल्टा, धागा पीछे किया, ये ऐसे उतार लिया, फिर धागा आगे एक उल्टा, और ये सीधे वाला इस तरह से उतार लेना है बिना बुने। अब हमने पूरी की पूरी ये वाली रो ऐसे ही करनी है, एक उल्टा बनाना है और फिर धागा पीछे करके इसको सीधे से नेक्स्ट को ऐसे सीधे वाला ऐसे उतार लेना है, फिर धागा आगे एक उल्टा, फिर ऐसे उतार लिया, फिर धागा उल्टा, सॉरी ये उल्टा बुना ये वाला धागा आगे करके फिर ये सीधा ऐसे उतार लिया। तो हमने ये पूरी ही रो ऐसे करनी है, ये बहुत सिंपल एंड बहुत ही इजी है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी बॉर्डर बनाने से पहले ना आपकी उसकी बेस लाइन एक सीधी और एक उल्टी बना लेनी है, चाहे वो कोई भी बॉर्डर हो, ठीक है। फिर हमने ये बॉर्डर बनाने स्टार्ट करना है। ये इसी बॉर्डर के लिए नहीं, कोई भी बॉर्डर बनाने से पहले उसके लिए एक सीधी और एक उल्टी नीचे बना ही लेनी चाहिए। जैसे ये वाले फंदे डाले हैं आपने सिंपल वाले, तो इसमें पहली रो जो है वो सीधी आएगी, तो वो सीधी बना के फिर एक उल्टी, फिर सीधी से बॉर्डर बनाना स्टार्ट करना है। और जो डिज़ाइनर फंदे मैंने आपको बताए हुए हैं उसमें फर्स्ट रो जो है वो उल्टी आती है, तो उसमें उल्टी रो बना के फिर जो सीधी आएगी उसी से हम बॉर्डर स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए फिर से बताती हूँ, धागा आगे किया, एक उल्टा बनाया, धागा पीछे, और इसको ऐसे सीधा उतार लिया बिना बुने। अब हमने ये रो ऐसे ही कंप्लीट करनी है, धागा आगे करके एक उल्टा, धागा पीछे करके ये सीधे वाला ऐसे उतार लिए बिना बुने, फिर धागा आगे ऐसे ये, और ये हम लास्ट में ये धागा आगे ऐसे उल्टा बनाया, और ये एज स्टिच हमने सीधा बना लिया। तो ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, और सेकेंड रो ये टू रोज रिपीट ही है। देखिए पहला धागा हमारा, ये हमने ये उल्टा है, इसको उल्टी साइड से इसको उल्टा उतार लिया, फिर धागा पीछे किया। अब क्योंकि अब हमारा ये सीधा आएगा, यहाँ ये उल्टा था, तो अब हमने इसको सीधा बनाना, इसमें हमने कुछ नहीं करना, इसमें जो हमने उल्टा आएगा उसको बुन लेना है, इसमें हमने कोई भी बिना बुने उतारना नहीं है इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमने पीछे, हमने देखिए ये वाला जो हमने पीछे वाला फंदा था, जो ये सीधे वाले हैं ये हमने बिना बुने ही सीधा उतार लिया, तो यहाँ ये उल्टा हो जाएगा, तो इसको हम उल्टा बनाएंगे, तो जो पिछली साइड सीधा था वो यहाँ उल्टा हो जाएगा, और जो उल्टा था वो सीधा, तो बस वही है, एक सीधा और एक ये उल्टा। इसी तरह से हमने ये अपनी रो जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो हमारा बॉर्डर है ये सबसे अच्छा जेंट स्वेटर में लगता है, तो इसको आप ट्राई ज़रूर करना, और हम ये वाली रो जो है इसको इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने इसकी रो कंप्लीट कर ली है, तो आपने यही टू रोज रिपीट करनी है। देखिए कितना अच्छा लगता है, और ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है, तो इसमें जो हमने बिना बुने वाला लिया है तो बिल्कुल एक सीधा सा एक बहुत सुंदर सी चेन बनती जाती है, तो ये बॉर्डर जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप इसके ऊपर जैसे ही आपका ये बॉर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो इसकी जो रॉन्ग साइड है फिर उसको पूरी हम रॉन्ग बनाएंगे, उल्टी बनाएंगे, फिर सीधे से हम अपना कोई भी डिज़ाइन जो है वो इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।